Welcome guys to my channel. Today I show you how to play Minecraft. Minecraft खेलने के लिए पहले आपको Minecraft का एक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक नाम दे देता हूँ, वर्ल्ड एंड क्रिएट। तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि Minecraft खेलने के लिए हमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड मिलता है जहाँ हम सब कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं। देखिए मैं स्पॉन हो गया हूँ एक। तो माइनक्राफ्ट में पहला काम है लकड़ी काटना। तो मुझे एक पेड़ मिल गया है तो पहले मैं लकड़ी काटूंगा। पहले आपको अपने हाथ से लकड़ी को टैप करना है तो अपने आप लकड़ी कट जाएगा। मैं ये पूरा पेड़ को काट दूंगा, इससे मुझे बहुत सारा लकड़ी का स्टैक मिल जाएगा क्योंकि माइनक्राफ्ट में लकड़ी से ही सारा काम शुरू होता है। बिना लकड़ी के आप कुछ कर नहीं पाते। जब तक मैं ये लकड़ी काट रहा हूँ तब तक गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। मैं आपके लिए नए नए और वीडियो लाऊं। तो गाइस ये लकड़ी से पहले हमको एक क्राफ्टिंग टेबल बनाना होगा। उसके लिए चाहिए वुड प्लैंक्स। तो प्लैंक्स आपको मिल जाएगा वुड से, फिर क्राफ्टिंग टेबल ऐसे बना लेना है। उसके बाद आप फिर वुड डाल के उससे स्टिक बना लेना। स्टिक के बाद अब एक्स पिकेक्स एंड सोड बना सकते हैं। जब सब तैयार हो जाए तो फिर क्राफ्टिंग टेबल को से तोड़ के आपको हाथ में ले लेना है। तो गाइस माइनक्राफ्ट में और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह है खाना। आपको सर्वाइव करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे मैं शॉर्ट से इसको मार के इससे इसका उल भी ले लूँगा जिससे मैं बेड बना पाऊँगा और खाना भी मिल जाएगा। तो पहले आपको सिप को मारना होगा। गाइस ये याद रखना, कम से कम 3 आपको उल चाहिए जिससे एक बेड बनता है। 3 उल और 3 वुडन प्लैंक्स। फिर अब ये पिक को भी मर सकते हैं, इससे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ खाना ही मिलता है। मुझे और एक उल चाहिए जिससे मैं अपना बेड बना पाऊँगा। ये सिप ढूंढना है मुझे। लो एक सिप मिल गया है, मैं दिल्ली है इसे मारता हूँ और इसका उल लेके मैं बेड बनाऊंगा। तो बेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्राफ्टिंग टेबल में आपको वुड देना है। वुड से आपको मिल जाएगा वुड प्लैंक्स। फिर ये वुड प्लैंक्स को डालना है और ऊपर आपको उल डालना है। ये रेसिपी भी मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। फिर मिल गया मेरा बेड। आपका ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लेना है और एक जगह ढूंढना है या आप जा सकते। पहले देख लीजिएगा मैं जो पेड़ काटा था उससे बहुत सारे सैपलिंग बहुत सारे स्टिक गिरा हुआ है, ये सब ले लेना है आपको क्योंकि इससे बाद में आप पेड़ उगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेफ जगह ढूंढना है। तो जल्दी से मैं ढूंढ लेता हूँ। माइनक्राफ्ट में रात बहुत खतरनाक होता है। तो ये मैंने क्राफ्टिंग टेबल में देख रहा कि इससे सवाल बना के अगर ये पे खोद के मैं कुछ बनाता वो न। देखिए रात हो गया है तो मुझे जल्दी से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा रहने का। तो मैं यहीं पे ही कहीं खोद के
एक छोटा सा रहने का जगह बना लेता हूँ। तो घर बनाना अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इधर ही बेड डाल के सो जाऊंगा, क्योंकि ये रात कैसे भी मुझे गुजारनी है। तो पहला दिन कैसे भी बीत गया है, तो अभी मुझे एक रहने का जगह चाहिए। इसके लिए मैं इधर ही खुद के कुछ इंतज़ाम करूंगा, एक छोटा सा घर बनाने। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, खोदना खुद के कैसे भी एक तो जगह बनाना है जहाँ आप का सामान रख सके और खुद रह सके। इधर खोदते खोदते मुझे पत्थर भी मिल जाएगा, मतलब कोबलस्टोन, जो बहुत काम आएगा फर्नेस बनाने के लिए और बहुत सारा काम बिल्डिंग के लिए। तो मेरा घर कुछ तैयार है, बहुत सारा जगह मिल गया। अब मैं कप्टिंग टेबल से बना लूँगा फर्नेस। फर्नेस बनाने का रेसिपी कब्रस्टन बीच में पका रहे हैं। तो फर्नेस से क्या होता है, अब आपका खाना पका सकते हैं, आयरन भी, कोल्ड भी, सब कुछ पका सकते हैं इसमें। तो मैं इससे पहले थोड़ा चारकोल बनाऊँगा जो लाइट अप के लिए काम आएगा। चारकोल बनाने के लिए पहले वुड लॉक से आपको वुड प्लैंक चाहिए, फिर वुड प्लैंक को आपको फ्यूल में देना है और इनपुट में वुड लॉक देना है जो चारकोल बनाएगा। अब चारकोल बनने के वेट है, बहुत सारा चारकोल बन गया अभी है, तो इससे मैं खाना पका लूँगा। खाने के इनपुट में देके फ्यूल में चारकोल को डाल दूँगा। अभी मुझे सामान रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, मतलब बॉक्स जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, वो तो आपको मिल जाएगा वुड प्लैंक से। उस चेस्ट के अंदर आप कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, तो आपका जो जो सामान जरूरी नहीं है वो रख दीजिए। अभी मुझे इधर लाइट चाहिए, तो उसके लिए स्टिक ले लूँगा। स्टिक के बाद मैं चारकोल रखूँगा ऊपर, तो मुझे मिल जाएगा टॉर्च। टॉर्च को मैं लगा दूँगा पूरे घर में, तो पूरा लाइट हो जाएगा, से कोई ज़ॉम्बी इधर अंदर आने पाए या अंदर स्पॉन नहीं हो। अभी इधर एक तो डोर लगाना है, डोर के लिए आपको प्लैंक चाहिए। प्लैंक से आप कटिंग टेबल में जाके डोर बना सकते हैं। डोर को लगा देने से कोई भी अंदर ऐसे ही आ नहीं पाएगा जब तक ना डोर खुला रहेगा। तो और भी हम लोगों को नीचे जाना है, मतलब खुदाई करनी, जहाँ से हमको आयरन, गोल्ड, डायमंड, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। वो सब शायद मैं अगले एपिसोड में लेके आऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।